अच्छा, मैं जो आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, ये जो सामने आप देख सकते हैं, ये BRT बस का जो ग्रीन लाइन का जो ट्रैक है, वहाँ पर मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो तरक्याती काम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जो पाकिस्तान कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जो कि आने वाले यानी कि एक कुछ दिनों बाद जो कि नुमाइश चौरंगी, जो कि सदर से लेके नुमाइश चौरंगी तक के जो ग्रीन लाइन की जो सर्विस है वो चलाई जाएगी। और मैं इस टाइम पे ग्रीन लाइन के जो नीचे से अंडरग्राउंड का जो अंडरपास है और वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और ये कराची का सबसे बड़ा अंडरपास है, जो कि आपको मेरी स्क्रीन में देखा जा सकता है। और कराची का सबसे बड़ा अंडरपास जहाँ से मैं चल रहा हूँ। और मैंने आज ये सोचा कि ग्रीन लाइन का जो कराची से सबसे बड़ा जो टनल है, यानी कि सबसे बड़ा जो अंडरग्राउंड जो पास है जो सीधा नुमाइश पर निकलता है ग्रीन लाइन का, तो मैं आपको वही दिखाने के लिए आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और बहुत सारी रिक्वेस्ट भी थी उसके साथ, ये कराची वालों के लिए बड़ी खुश खबरी है, क्योंकि आने वाले नवंबर के एंड तक यहाँ से ग्रीन लाइन की जो सर्विस है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं लास्ट टाइम जो कलर वगैरह का जो हो रहा है, ये वो किया जा रहा है। आज मैं इसी साइड से गुज़र रहा था तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों को जो कि ग्रीन लाइन की जो सदर से लेके नुमाइश चौरंगी तक जो अंडरग्राउंड जो पास है, तो मैंने यही सोचा कि आप लोगों को इसकी विज़िट कराया जाए, क्योंकि हम बाइक वाले ही आपको ये इसी जगहों की विज़िट करा सकते हैं। तो ये ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है, और यहाँ से जो ये सीधा जो निकलता है रोड, ये सीधा जो कि नुमाइश चौरंगी की साइड पर निकलता है, नुमाइश का रोड लगता है यहाँ से, ठीक है, ये सीधा नुमाइश पर निकलता है। तो हमें दोबारा यहाँ से टर्न लेके वापसी हम सदर से निकलते हैं, क्योंकि हमें जाना उस साइड पर है। अच्छा, ये अब जो मैं जिस तरीके से जा रहा हूँ, ये नुमाइश से सीधा सदर को निकलेगा ये जो अंडरग्राउंड पास है। और ये पास तकरीबन कराची का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड पास है। और यहाँ से जो कि ग्रीन लाइन की जो बसें वो एक साइड और ये दूसरी साइड, यानी कि जाने के लिए और वो आने के लिए, यहाँ पे तकरीबन थोड़े से जो तरक्याती काम है वो चल रहा है। काफ़ी खूबसूरत सा जो कि कराची का सबसे बड़ा अंडरपास मेरी कैमरे के स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है। और ये जो तो आज मैंने यही सोचा कि आप लोगों को घर बैठे क्यों ना हम आपको ये टनल दिखाए, जो RBT बस यानी ग्रीन लाइन जो सर्विस का जो मंसूबा है वो आपको हम यहाँ आपको घर बैठे दिखाएं कि यहाँ से क्या सूरत हाल है। कुछ थोड़ी बहुत जो काम का सूरत हाल है वो चल रहा है, और इंशाल्लाह ताला नवंबर के एंड तक जो कि ये तैयार हो जाएगा, और फिर कराची वालों के लिए बहुत बड़ी जो खुशखबरी है, यानी ये बहुत बड़ा मसला एक ये भी है खुशखबरी के साथ, कि कराची में ट्रैफिक जो कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है,
तो ये ग्रीन लाइन सर्विस से जो ट्रैफिक की जो रुझान है उसमें काफ़ी फ़र्क होगा और काफ़ी इसमें जो ट्रैफिक में काफ़ी कमी देखी जाएगी इंशाल्लाह। और कराची की जो सड़कों में जो ट्रैफिक की वजह से जो लोग जो अपने मकामात में जो लेट पहुँचते हैं तो उससे भी उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अब यहाँ से हम सीधा जो कि टनल से बाहर अंडरग्राउंड पास से जो बाहर सदर की तरफ हम निकल रहे हैं। तो ये आपको मुझे दिखाना था कि यहाँ पर जो तरक्याती काम है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जो के चल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला रिक्वेस्ट पर वीडियो बनती है, जो रिक्वेस्ट करते हैं उनकी हम रिक्वेस्ट पूरी करते हैं। और इससे पहले मेरी खुद भी एक चाहत थी, दिली चाहत थी, क्योंकि ग्रीन लाइन बस का जो पैक है जो सदर से अहमदीना सदर से जो नुमाइश की तरफ अंडरग्राउंड पास के ज़रिए निकलता है वो मैंने उसकी वीडियो अभी तक नहीं बनाई थी। तो इसीलिए मैं खुद भी मेरी चाहत थी कि खुद भी मैं बड़ा एक्साइट था यहाँ पे मैं वीडियो बनाने के लिए, और इसके साथ जो लोगों की रिक्वेस्ट भी थी तो वो रिक्वेस्ट भी मैंने कंप्लीट कर दी। और अपनी भी ख्वाहिश जो थी ग्रीन लाइन से गुजरने की तो वो भी पूरी हो गई तो इंशाल्लाह ताला। और जब ग्रीन लाइन का मंसूबा जब स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से तो इसके लिए हम वो भी वीडियो आपको अपडेट करेंगे। जब तक के खुदा।